यहाँ पे मछलियाँ, मछलियाँ भी दिख सकती है, अभी सांप भी दिखने लगी है। ये पानी काफी हद तक छोटा हो चुका है। जंपिंग मारा है, दिखाए तो नमस्ते, सभी को स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप लोगों का काफ़ी लंबा समय से रिक्वेस्टिंग वीडियो भी है और हम भी एक प्रॉमिस वीडियो भी है, जो कि जून का महीना में हम अपना फिश पॉन्ड को रिवील करेगा बोल के बोला था। तो आज उसका समय आ चुका है। कमेंट सेक्शन भी मेरा उसी से भर गया था कि टोनी भाई फिश पॉन्ड कब दिखाएगा बोल के। एंड बाय द वे, आज को देखने को मिलेगा, आई होप कि देखने को मिले। और मौसम तो देखो कुछ इस तरह से है, और वो देखो वहाँ पे मूसलाधार बारिश आती हुई है, वो आगे से पूरा बादल जैसा बारिश है वो। एंड ये देखो फिश पॉन्ड का आगे में भाई बाल्टी लेके बैठा हुआ है, जो कि इसको इसका पानी को फेंकेगा बाहर अभी। सो अभी हम दोनों इसको ट्राई करेगा पानी को फेंकने का। एंड वो जो देख रहे हैं पाइप देख रहे हैं ना, वो भाई का पेड़ का सामने में वो वाला, उस उधर से भी हम दोनों संभाल के, उधर से भाई हम दोनों फिजिक्स लगा के पानी को बाहर फेंका गए। और दो तीन पाइप होने से बढ़िया था, इसको भी देखो ना आधा ज्वाइन ज्वाइन करके हम दोनों एडजस्ट किया। आप लोगों को दिखा देगा किस तरह से काम कर रही है। देखो फिश पॉन्ड में आधा, फिश पॉन्ड में आधा हिस्सा को डाले तो आधा हिस्सा ही देखो यहाँ से निकल रहा है। देखो यहाँ से फिश पॉन्ड का जितना भी पानी है यहाँ से बह रहा है। इसका जो पाइप जो और भरा हो के इस तरह का, जो और चार पाँच पाइप होने से फटाफट खाली हो जाना था, बस एक ही है। दस भाई हम दोनों ये देखो बाल्टी से भाई जो अभी ट्राई करेगा आधा। एंड आई होप कि मछलियाँ देखने मिले। इसको और टेक्निक से भी निकालने का सोच रहा था, बट सबसे बेस्ट आई थिंक खाली करने से सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा बोल के सोचे। एंड लेट्स सी अभी इसको खाली कर पाते कि नहीं। खाली कर देने से ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप लोगों को भी साफ साफ दिख जाएगा मछली, और अंदर पर एक सांप भी छिपा था इसमें, पानी सांप, वो पानी सांप को भी दिख जाएगा। ये देखो भाई पानी बढ़िया से फेंक रहे, पाइप को मदद से फेंकने से भाई टाइम लगेगा ना, रात पूरा मॉर्निंग हो जाएगा, नेक्स्ट दिन हो जाएगा। और देखो पाइप से कितना, ओ हाथ से कितना सारा निकाल रहे एक बार में, संभाल के मछलियाँ बाल्टी में ना आ जाए, सांप ना आ जाए, ये डर है हमको। और हाँ फ्रेंड, जैसे कि इसमें कुछ दिन पहले एक पानी सांप भी था, तो अंदर घुसने के लिए भी थोड़ा हिचकिचा रहा है, क्योंकि पानी सांप है ना। हम पहले घुस भी गया था तो मछलियाँ मेरा पाँव से टकरा रहा था, एंड थोड़ा बहुत सांप से फटता है मेरा भी। तो दस भाई खाली करने से सांप को भी अच्छी तरीके से दिख पाएगा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग जो मछलियाँ है, जो कि पूरा एक साल बाद इसको हम देखेगा। सो लगाने से पहले कुछ इस तरह से था, स्क्रीन में आप लोग देख रहा होगा। एंड अभी पूरा का पूरा एक साल बाद आज को रिवील कर दिया जाएगा मछली कितना छोटा से कितना साइज में हो गया है। जो कि चारा बोलने से ये नेचुरली जितना यहाँ पे कीड़ा मकड़ा घुसता है या फिर पानी का ही जो भी प्लांट का वो एल्गी वगैरह को ये लोग आई थिंक खाया गया है। हम भी इतना कंटिन्यूसली ये लोग चारा वगैरह तो नहीं दिए, बस कभी कभार ही हम भी समय पे कीड़ा वगैरह दिया गया था। ये वाटर का जितना प्लांट है ये भी ओगाम द्वारा, मेरा एक दोस्त द्वारा लगाया गया था। एक तो सिर्फ डाला था वो दोस्त जो, अभी कितना सारा ये देखो निकाल गए। ओए क्या है, वाटर लेटस मेंढक था ये, क्या था ना अभी का अच्छे से हम दिखे नहीं, मछली था ये। ए बाहर पेक, हम भी एक बाल्टी लेके साथ में आई करना पड़ेगा, पटापट हो भाई। तो हाँ फ्रेंड, जैसा कि अभी बारिश सत्यानाश कर चुका है, मॉर्निंग को ठीक था, अभी अचानक से बारिश देखो रुकते रुकते, भाई भी स्कूल गया था एक्चुअली, दोनों करेगा और किसको रुक रहा था, तो बारिश तबाही कर चुका है। बट कोई नहीं, आज को आप लोगों को जरूर दिखाएगा, जितना हो सके ट्राई करेगा। भाई पीछे में धमाधम पानी फेंक रहा है, और पानी अभी ज़्यादा नहीं है निकालने के लिए, पानी फेंक चुके हम दोनों मछली को। ये करने का हम दोनों वापस इसको वापस बना देगा, सिर्फ मछली लोग चेक करेगा कैसा कैसा हो चुका है मछली लोग। इधर भी बनाएगी रस्सी, और इधर नहीं बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी बारिश तो गिर रहा है, बस क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा ट्राई कर ही लेगा, नहीं तो वापस आधा उधी काम करने से मज़ा नहीं है। बारिश के दिन में फिर को भी मेरे ऐसे कोई प्लानिंग नहीं था, आसानी से बारिश जो प्लानिंग में आ गया। Thank you.
दिख रहा है मछली कपड़ा का अंदर मछली तो रे मेरा कपड़ा नहीं क्या तो हाँ गाइस, बारिश भी आ चुका है, बारात खतरनाक से दे रहा है, तब भी नहीं रुकेगा। जय हिंद जय भारत। सो हाँ फ्रेंड्स, ये देखो सेल्स, लास्ट टाइम मेरा दोस्त यहाँ में डाल दिया था 2-3। सो जो पुराना व्यूअर से वो लोगों को पता होगा, गम को देखो सेल्स को देख रहे तो सेल्स जिंदा है। तो अरे तेरा जूम कर देगा क्या? ये देखो ये लो, ये हाथ हाथ में देखा। तो हाँ देख सकते, ये है वो सेल्स एंड मेरा हाथ में मोजा वो काम कर रहे, गंदा हो चुका है, देख सकते हैं। ये है वो सेल्स एंड हाँ गाइस, पता है इसको करते करते ना एक खजाना मिला हम लोगों को। क्या खजाना है देख सकते हैं, क्रिस का कपड़ा एक्चुअली भैया का कपड़ा है, जो कि ये शायद इधर टांगने वाला नीचे गिर गया था होगा, देख सकते वहाँ से मिला है। इसका अंदर में मस्ती था। हाँ एंड देख सकते काफ़ी सारा अभी खाली कर चुका है, अभी लिटरली वो पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जहाँ हम लोगों को मछली दिखने लगेगा। अभी बल्टी का साथ भी मछली निकाल सकते हैं। लिटरली जो सांप था ना, सांप भी छिपा होगा, बट कोई नहीं, सांप को भी देखा जाएगा। फ्रेंड्स ये देखो, हम पानी के अंदर में घुस चुका है जैसे कि, और ये देखो यहाँ पे हमको एक और सेल्स दिख गए। पहले वाला काम है ना, हाथ में क्या ये देखो, ये भी जिंदा है, दो मिल गया, इसको भी पकड़ो सेल्स को, बाद में देखते हैं कितना मिलता है। और भी ये देखो, यहाँ भी और भी आए, ये देखो घुस गया अंदर। ये मेरा दोस्त डाल दिया था, ये काने वाला सेल्स है, यहाँ पे नहीं होता ये। तो इसको मेरा दोस्त जो वहाँ से नीचे से लेके आया था, और मछलियाँ अभी अभी हमको वहाँ से उसका फिन जो दिखा है, मछलियाँ भी दिख सकती है, अभी सांप भी दिखने लगेगा। ये पानी काफ़ी हद तक छोटा हो चुका है। ये लो सेल्स, ये सेल्स जो काने वाला है दोस्त, जो जैसे कि ईटानगर से लेके आके हमें डाल दिया था। देखो देखो देखो, जिंदा है ना, मोरा देखो जिंदा है ना, अंदर घुस गया, अंदर बारिश बारिश में कोई इरादा नहीं था मेरा, ये ऐसा बिक के आप लोगों को मछली दिखाई और काम किया है तो खत्म करके दम लेगा वो। चल रहा चल रहा, ये देखो सेल्स, यहाँ भी एक और सेल्स मिला है, बाद में दिखाएगा आप लोगों को कितना सेल्स। अब ये देखो जो ये सब्जुम बोलता है, इधर से ट्राई करेगा, जंपिंग मारा है, दिखा है मेंढक है, मेंढक है क्या? हाँ मेंढक नहीं ना, मछली है। लो ये बकरी के अंदर मारो, टप कर दो, मछली है ना, ये मेंढक है, मछली है वो। देखो अभी एक निकाल देगा, घुस गया घुस गया घुस गया। ये देखो फ्रेंड्स, वो देखो दिख रहा है, एक पकड़ लिया, एक मसीर हाथ लग गया। ये देखो और भी मिलेगा, इसका अभी एक बकेट में रखना पड़ेगा रे। देखो मसीर पूरा इतना फ्रेश है, अपो पावरफुल है बहुत। इधर डाल दिया तो पानी के साथ, और तो नहीं है, ओरे वो देखो पकड़ लिया गाइस। ये देखो भाई अभी भी पकड़े, चप्पल चप्पल जहाज था, मसीरी मसीर। तो काली कर दे रे, निकलेगा देखो रे, आ गया आ गया। ये देखो फ्रेंड, मछली एक और मिले, मछली लोग इतना बड़ा नहीं है तो इससे, लेकिन काफ़ी है, ये बहुत छोटा था जब डाला था, एकदम सुंदर है ना, गोल्डन मछली क्या, गोल्डन जैसे तो कलर ना। तीन तो पकड़ चुका है, चलो उसको खाली कर देगा। तो फ्रेंड्स फाइनली ये देखो दिखने लग रहे हैं, अभी पानी काफ़ी हट चुका है, इधर भी है ना, मालूम ही हो जाएगा इसको, पहले ये गोल्डन है ये वाला,
दिखा कितना तेज है। अपो अपो देखो यहाँ में, ये देखो फाइनली पकड़, अपो बहुत तेज थे। सांप भी होता है लेकिन सांप को ही पकड़ लेगा। ये अलग अलग है, ये मशीर नहीं है, गोल्डन है क्या वो? यहाँ में ना लाओ तो यहाँ से, तो ये देखो यहाँ से आराम से पकड़ लेगा ये लोग। अभी बहुत सारा पकड़ सकेगा, आजा अब बहुत सारा पकड़ लिया एक बार में। ये देखो कितना सारा है, अप्पा 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 तो पकड़ गया, पकड़ और भाई पकड़ रहे अप्पा। बहुत स्मार्ट है, बहुत ये हेल्दी है। ओए जरा जोर से मत दबा, नहीं तो ये हो जाएगा। वापस इसको टुकड़ी में डालना भी है। ये अलग वाला है, ये मशीर नहीं है। ये देखो ये अलग है, पता नहीं कौन सा मछली है। यमुंग है क्या? यमुंग बोलते हैं क्या वो वाला? मशीर नहीं है, बाकी सब मशीर है। ओ ये भोरा वाला है रे। ओ ये देखो, ये सियांग रिवर का फ्रेश मछली लुक है, जो कि एक साल पहले इतना छोटा था, अभी बहुत बड़ा हो चुका है। इधर डाल दो, पानी में भरा दिखते हैं लेकिन निकालने से इतना बड़ा नहीं होता। ये देखो वे पागल हो रहा अप्पो अप्पो। ये देखो उतरो मछली तो हम इतना होगा जिसे नहीं लगाते रे। इधर भी बहुत है, ये देखो ये लोग मछली नहीं है, मुक्की है क्या? मुक्की लगे यहाँ में कहाँ से आया? ये मछली है रे, मेंढक बहुत था, मेंढक एक दिखाने दे रही कहाँ भाग गया मेंढक? पूरा किचड़ किचड़ है, मिट्टी के अंदर छुप गया होगा मेंढक। फाइनली फ्रेंड्स फिश पॉन्ड खाली हो चुका है एंड जो मछलियाँ है यहाँ पे है, मछलियाँ कितना सारे आप लोग भी देख रहा होगा। पूरा एक साल बाद आप लोगों को दिखा रहे हम जो बारिश के दिन में, पूरा हम भी बिक चुका है एंड जो फिश पॉन्ड इसको भी अभी रिपेयर करिए वापस। तो फ्रेंड्स ये देखो अभी हम पुकड़ी से वापस निकल चुका है एंड छाम भी पूरा गंदा हो चुका है और बारिश से ऊपर से प्लस हो गया आज। तो देखो मछलियाँ इतना है एंड मछलियाँ होना था, बाकी तो मर गए। और लिटरली आप सांप को दिख रहा था, सांप दिखाई नहीं दिए, शायद से भाग गया होगा या फिर जमीन के अंदर में छिप गया। और पुकड़ी को बोलने से उसको भी साफ कर दिया जाएगा एंड मछली को अभी चलिए एक बार दिखा देते अच्छे से। इसमें एक बार इसको डायरेक्ट ये कर देगा, ये देखो अपो अब भाई साहब कहाँ फंस के बैठे। ये देखो ये है, देख रहे हैं ना कितना सारा है। ओ ये इधर भी एक थी, तो देखो अभी इसको यहाँ साफ पानी में उतार देंगे। ये देखो इतने मछलियाँ, ज़्यादा नहीं है, एक साल बाद इसको देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो गया एक साल का कंपेयर में। इतना था बेसिकली, चौथा चौथा था। और इसको चारा वगैरह भी हम देता नहीं है। ये देखो एकदम फ्रेश मछीर है पूरा एंड ऐसा वाला कितना तो है, दो या एक है, मुप्पू टाइप का ये कुछ डिफरेंट है। एंड जो ट्राउट है कुछ महीना पहले मर चुका है, जिसको मोइंग बोलते हैं, जो ट्राउट फिश है पता नहीं, वो तो पांच छः ऐसा बहुत सारा मर चुका था, नहीं तो मछली और होना था। एंड अभी बोलने से मशीर और वो पता नहीं क्या मछली है, वो वाला सिर्फ प्रजाति। एंड ये देखो सेल्स भी यहाँ पे कितना तो है, एक दो तीन, ये देखो छेटू है, ये भी कोई कोई जिंदा है, कोई कोई शायद कहीं में क्या हो गया पता नहीं, इसको भी वापस डाल देगा। और मछलियों को भी बाय द वे क्या करेगा बोलने से, इसको इतना छोटा है काने लायक भी नहीं, तो वापस से फिश पॉन्ड को साफ कर देगा, देन डाल देगा। एंड देखते ही और आने वाला समय में कितना बड़ा होता है, समय समय में आप लोग हम दिखाते रहेगा ये जो मछली है आने वाला समय पर कैसा रहेगा। तो बहुत ज़रा इंटरेस्टिंग रहने वाला है इसका अपना एक जर्नी भी। तो फ्रेंड्स अभी इसको थोड़ा बहुत साफ कर दिया जाएगा, देन पानी डालेगा, देन मछलियाँ जो है उसको वापस से डाल दिया जाएगा।
जैसा कि फिश को तो आप लोगों को दिखा चुका है और हम भी पूरा गंदा हो चुका है। और ये देखो थोड़ा देर बाद धूप वापस से निकाल चुका है। बकवास वेदर है आज का, जब काम करते समय इतना सारा बारिश देखिए बर्बाद कर दिया था। बाय द वे जो फिश पॉन है उसको हम थोड़ा बहुत साफ कर लिया गया है फिर से। ये रहा फिश पॉन को थोड़ा बहुत साफ करके वो साइड साइड में पत्थर डाला है, ये साइड में डाला है, ये साइड में डाला है मछलियों का घर के लिए बेसिकली। ये जब वहाँ से ओवरफ्लो के नाम देगा तब गंदा पानी जो बेसिकली हट जाएगा एंड साफ पानी वापस भरने लग जाएगा। बस एक घंटा बाद अभी चलिए इसको पानी भरने के बाद मिलते हैं फिर। फ्रेंड्स अभी जैसा कि जो फिश पॉन है वो भी भरने ही वाला है, यहाँ पे है ब्रदर एक बार दिखा रहा। थोड़ा हालांकि माहौल गंदा हो गया बट कुछ दिन बाद वापस साफ हो जाएगा अपना से। अभी नया नया इसको कंस्ट्रक्शन वापस रिपेयर किया बेसिकली एंड पत्थर कोना कोना में डाले अंदर में पानी के अंदर में ताकि मछलियाँ उसमें रह सके होगी। और ये देखो मछलियाँ यहाँ पे है, ये देखो मछली लोग यहाँ पे है, इसको डाल देगा वापस से। अरे ओके जिंदा है, जिंदा है ना, जिंदा है। 12 तो पीछे बोले ना, 13 ओ 13 ओ ओ ओ अपो इतना तेज है। ओए ओ ये देखो ये गोल्डन है ना, क्या है समझ में नहीं, गोल्ड है, गोल्डन मछली है क्या, कमेंट कर देना। ओए ओ ये है मछलियाँ देखो, ऐसा ऐसा हो गया है प्रॉपरली, अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। एंड ये देखो ये वाला अलग है, ये क्या मछली है पता नहीं। तो फ्रेंड्स अभी इसको डाल दिया जाएगा। प्लान लोगों को पहले डाल दिया जाएगा। एक या फिर दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ वो एक पहुँच गया बस। बाकी स्नेल है, स्नेल को भी डाल देगा। तो हाँ फ्रेंड्स जैसे कि अभी मछलियाँ लोग को पानी में ढाल चुके हैं, उतार चुके हैं और ब्रदर भी ये देखो तैयार हो गए। कहाँ में जाएगा बता दो, चढ़ जाएगा बोल रहे हैं ये लोग। चार्ज में कुछ प्रोग्राम है, काम है, बहुत गर्म है, पहले इतना बारिश में भीग गया था पूरा, हम भी प्रेस अप कर लेना पड़ेगा अभी। बाय बाय। तो हाँ फ्रेंड जैसे कि अभी मछलियाँ लोग को यहाँ में डाल चुके हैं ना, तो आने वाला अभी वापस से समय पे आप लोगों को अपडेट देते रहेगा इसका कैसा कैसा रहेगा। ये देखो बाय द वे इतना जल्दी पानी भरने लग गया। तो हाँ फ्रेंड्स अभी जैसा कि नहा धो के हम भी अभी फ्रेश अप कर चुका है और हाँ जो फिश पॉन है उसको तो आप लोगों को आज को दिखाया ही है किस तरह से हम निकाला है एंड किस तरह से इसको हम यहाँ पे पाल के रखा है, जो कि फ्रेश मछलियाँ है फ्रेश रिवर का, जो कि डालते समय छोटा था अभी बड़ा हो चुका है। और आज तो एक सरप्राइज हो गया कि हम स्नेक देखिए बोल के सोचा, तो स्नेक नहीं था वहाँ पे, फॉर्चुनेटली सही है मेरे लिए, स्नेक भी देखने मिलेगा बोल के थोड़ा बहुत डर रहा था बट सही था। और आप लोग देखा ये कि दिन को किस तरह से बारिश गिरा था एंड वापस से धूप निकला है और अभी मौसम बढ़िया है, काफ़ी ज़रा फ्रेश है। हाँ बाय द वे अभी ब्रदर बोलने से ब्रदर अभी वापस नहीं है घर, वो भी आएगा वो बात में शाम को। और पीछे में मेरा पहना हुआ कपड़ा जितना है सबको धो चुका है और फ्रेश अप तो कर ही चुका है। सो आज के लिए ब्लॉग को यहाँ तक ही रहने देता है। सो आने वाला ब्लॉग के लिए कोई चैनल पर नया होने से सब्सक्राइब कर देना है एंड लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं, तो सीधा अभी आने वाला ब्लॉग में मुलाकात करते हैं। सो आज के लिए सभी को टाटा गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।